आज के इस वीडियो में अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर जो अपन देख रहे थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस डिस्कस किया था, तो नॉर्मली आपको कल की क्लास से पता लग गया होगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। वैसे आप जनरली समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे, क्या आप कैसे आइडेंटिफाई करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रख सकते हैं आप, यानी स्क्वायर ब्रैकेट जिस भी कंपाउंड में आ रहा है वो सब क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे आप ये देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसे अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं ये अपन देखेंगे। अपन क्या बताते हैं, इट इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा कहां लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि अपन बता रहे हैं कि नॉर्मली ये अपने पास कंपाउंड है K4FeCN6, इसमें अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी हो जाएगी, ये पूरा जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऐसे ही CuNH3 Cl3 इस कंपाउंड को अपन देखें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी पॉजिटिव चार्ज में भी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो अपनी है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो जैसा कि अपने को पता है कि नॉर्मली कोई भी कंपाउंड होता है उसमें एट फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं, कैटायन, और बाद में क्या लिखा जाता है, एनायन। जैसे NaCl में अपन देख रहे हैं तो फर्स्ट Na+ और सेकंड Cl क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऐसे अपन K4FeCN6 में अपन देखें तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये एंटिटी कैसे होगी पूरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे अपन इस कंपाउंड में देखें तो एंटिटी पहले लिखी गई है, मतलब एंटिटी इस बार कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, एंटिटी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और एंटिटी नेगेटिव चार्ज, यानी एंटिटी बाद में लिखी गई है इसका मतलब एंटिटी नेगेटिव चार्ज, एंटिटी पहले लिखी गई इसका मतलब एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है। या फिर अपन ऐसे देखें जैसे FeCO5 ये कंपाउंड अपन देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं ना तो एंटिटी के आगे कुछ है ना ही पीछे कुछ, मतलब एंटिटी यहाँ पे कैसी है, न्यूट्रल। तो एंटिटी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज कब होगी, जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंटिटी यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जब पहले लिखा गया मतलब एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है, बाद में एंटिटी लिखी गई है मतलब एंटिटी नेगेटिव चार्ज है, और एंटिटी की ना तो आगे कोई आयन है ना ही पीछे कोई आयन है, मतलब एंटिटी कैसी है, न्यूट्रल। या फिर नॉर्मली अपने वैसे भी लिखवा मिल सकता है, जैसे अपन देखें NaCl4-2 तो यहाँ तो अपने देखने से पता चल रहा है एंटिटी कैसे नेगेटिव चार्ज साफ अपने दिख रहा है। ऐसे अपन देखें CrNH3+3 तो यहाँ पे एंटिटी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। डिफाइन अपन कैसे करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, कैसे डिफाइन करेंगे, द एंटिटी इन विच इन न्यूट्रल एटम, जैसे न्यूट्रल एटम बता सकते हैं या फिर एक कैटायन इज अटैच्ड टू अ पॉजिटिव चार्ज, इफ इज अटैच्ड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिटिव चार्ज आयन और न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो नॉर्मली आप इसे ध्यान रख सकते हैं एंटिटी वैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं सेंट्रल एटम और लिगेंड किसे अपन बोलेंगे, सेंट्रल एटम
और सेंट्रल मेटल भी से बोल सकते हैं अपन। एंड लिगेंड क्या होता है वो अपन देखेंगे। जैसे कि आपने देखा था पीछे, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6। ये पूरी क्या थी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सबसे पहले एटम लिखा गया है वो ही क्या होता है? सेंट्रल एटम होगा। जैसे इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा। और इस सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी लिखा गया एंटिटी में वो सब क्या होंगे? लिगेंड। जैसे Fe तो क्या हो गया? सेंट्रल एटम। जो CN है ये सब क्या हो गए? लिगेंड हो गए। ऐसे अपन और कंपाउंड देखें, जैसे CrNH3, CrCl3, ये कंपाउंड देखें, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है पूरी। ये क्या हो गया? CR, यहाँ पे क्या हो गया? सेंट्रल एटम। NH3 क्या हो गया? यहाँ पे लिगेंड। 3 CrA, ये भी क्या हो गया? यहाँ पे लिगेंड। तो ध्यान रखें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सबसे पहले लिखा जाता है वही क्या होगा? सेंट्रल एटम। और उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब क्या होंगे? लिगेंड हो गए। जैसे इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में Fe क्या हो गया? सेंट्रल एटम। CN क्या हो गया? लिगेंड। ऐसे यहाँ एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी अपन देखें, इसमें CR क्या हो गया? सेंट्रल एटम। और NH3 क्या है? लिगेंड। CN भी क्या है? लिगेंड है। डिफाइन इसे अपन कैसे कर सकते हैं सेंट्रल एटम को? द एटम ऑफ द एटम और आयन, द एटम और आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी फ्रॉम विच ए फिक्स नंबर ऑफ फ्रॉम विच ए फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल आर अटैच्ड। तो ये अपने से डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो ऐसा एटम या फिर ऐसा है जिससे फिक्स नंबर में अपोजिटली चार्ज आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच हो उसे अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम। ऐसे अपन लिगेंड के बारे में आगे देखें, अभी तक अपने को ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या लिखा मिलेगा, तो सेंट्रल एटम अपने को लिखा मिलेगा। और सेंट्रल एटम को छोड़ के जो कुछ भी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वो सारे क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, लिगेंड के पास लोन पेयर होते हैं और लिगेंड अपना लोन पेयर इस सेंट्रल एटम को देख क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो लिगेंड को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बाई डोनेटिंग इट, सॉरी, एंड बाई डोनेटिंग इट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज लिगेंड। यानी लिगेंड किसे बोलेंगे? ऐसी स्पीसीज कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो और अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देख के क्या बनाए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उसे अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। जैसे अपन देखते हैं NH3, NH3 भी क्या होता है? इनके पास लोन पेयर, तो एन अपना लोन पेयर इस मेटल को देखे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो NH3 कैसे बिहेव करेगा? लिगेंड की तरह। तो ध्यान रखिए लिगेंड हमेशा क्या करेंगे? लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करके क्या फॉर्म करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जैसा कि आपने पीछे देखा था कि लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देखिए क्या फॉर्म करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। आगे अपन देखते हैं डोनर एटम एंड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डोनर एटम एंड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड से क्या मतलब है? ध्यान दें, जैसे NH3 आपने देखा था पीछे क्या था? लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, बिकॉज एन के पास क्या था? लोन पेयर। और एन अपना लोन पेयर मेटल को देखिए या सेंट्रल एटम को डोनेट करके क्या फॉर्म कर रहा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक्चुअल में लोन पेयर है किसके पास? नाइट्रोजन एटम के पास है। यानी नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देखिए क्या फॉर्म कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया।
डोनर एटम को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? द एटम ऑफ लिगेंड विच हैव लोन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंटर एटम, यानी लिगेंड का वो एटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर अपना, और अपना लोन पेयर सेंटर एटम को देके क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे अपन डोनर एटम बोलेंगे। जैसे अमोनिया में एटम तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक्चुअल में लोन पेयर दे कौन रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो डोनर एटम को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एटम ऑफ लिगेंड विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम इज नोन एज डोनर एटम, उसे अपन क्या बोलेंगे, डोनर एटम बोल रहे हैं। ऐसे अपन ध्यान दीजिए, जैसे वो समझ सकते हैं, अपन एग्जांपल और देखें, जैसे कि H2O है, H2O में अपन देख रहे होंगे पास लोन पेयर है, तो एक्चुअल में H2O पूरा क्या एक लिगेंड है, लेकिन एक्चुअल में लोन पेयर देगा कौन, यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, तो H2O में डोनर एटम कौन हो गया, यहाँ पे O हो गया। तो ये ध्यान देंगे, लिगेंड का वो एटम जिसके पास लोन पेयर एक्चुअल में है और वो अपना लोन पेयर सेंटर एटम को दे क्या फॉर्म करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे अपन बोलेंगे डोनर एटम। अब ध्यान दें, डोनर एटम किसी भी लिगेंड के पास एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। यानी डेंटिसिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड विद सेंट्रल एटम इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। यानी हो सकता है किसी लिगेंड के पास डोनर एटम एक हो, तो एक डोनर एटम हो तो सेंटर एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हो सकता है किसी लिगेंड के पास डोनर एटम टू हो, तो वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसे अपन बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। यानी किसी भी लिगेंड के पास जितने डोनर एटम होंगे, या कोई भी लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंटर एटम के साथ बना सकता है, उसे अपन बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड के बाद आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड को किस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, यानी कोई भी लिगेंड हो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ फॉर्म कर सकता है, उसके बेसिस पे लिगेंड को अपन क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है, लिगेंड हैविंग वन डोनर एटम, ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनर एटम कितने हो, एक। अब एक डोनर एटम है, इट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने बनाएगा, एक ही बनाएगा सेंटर एटम के साथ, तो इसे अपन बोलेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे अपन देख रहे हैं NH3, ये एक डोनर एटम है, H2O। ध्यान दें, अब यहां आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है, इसके पास दो लोन पेयर है, लोन पेयर दो हो चाहे तीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, डोनर एटम एक है तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ध्यान रखें। ऐसे ही OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब क्या है, मोनोडेंडेंट लिगेंड। ऐसे ही आगे अपन देखते हैं बाईडेंडेंट लिगेंड। अब बाईडेंडेंट लिगेंड का मतलब क्या होगा, इसके पास डोनर एटम कितने होंगे, तीन डोनर एटम हो जाएंगे। अब डोनर एटम तीन है, सॉरी डोनर एटम कितने हो जाएंगे, टू, डोनर एटम अब डोनर एटम टू है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने फॉर्म करेगा, टू ही फॉर्म करेगा। जैसे अपन एग्जांपल देख सकते हैं इथाइलिन डाइएमीन या एथेन 1,2-डाइएमीन भी इसे अपन बोल सकते हैं, इथाइलिन डाइएमीन, सॉल्ट में से ई ए लिखते हैं अपन। तो देखिए फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि अपन इसका CH2NH2, तो यहाँ पर देख रहे हैं डोनर एटम कितने हैं, दो है, एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये, इट मींस यहाँ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ फॉर्म कर सकता है। ऐसे और एग्जांपल अपन देखें, ऑक्सलेटो OHC से लिखा जाता है, C2O4 माइनस टू भी से लिख सकते हैं अपन, और इसे अपन पूरा ओपन करके देखें, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, C डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो यहाँ पर देख रहे हैं डोनर एटम एक भी डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये, तो
कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है उसी अपन बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब वन डोनर एटम, वन डोनर एटम मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने बनाएगा? वन ही बनाएगा। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब डोनर एटम कितने होंगे? टू, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सेंटर एटम के साथ कितने बनाएगा? टू ही फॉर्म करेगा। ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, तो उसमें आप इथाइलिन डाइमिन या ऑक्सिलेटो का एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐसे फर्दर अपन देखते हैं, सपोज अपने पास आ जाए पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड का मींस क्या होगा? डोनर एटम कितने होंगे? फाइव। पेंटाडेंटेट लिगेंड पेंटाडेंटेट लिगेंड का क्या मींस है? यहां पे डोनर एटम कितने होंगे? फाइव। अब फाइव डोनर एटम है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने फॉर्म करेगा? फाइव ही फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल जैसे देखें, EDTA माइनस थर्ड, ध्यान दें माइनस थर्ड है, इथाइलिन डाइअमीन ट्राइएसिटेटो। कैसे एग्जाम्पल इसका अपन देखें, इसको फॉर्मूला अपन फॉर्म करते हैं। इथाइलिन CH2 CH2, एथ मीन्स टू कार्बन आपने लिख दिए, डाइअमीन दो एन आप लिख सकते हैं, एन के पास लोन पेयर। एसीटेटो ट्राई एसीटेटो, दो एसीटेटो आयन अपन यहां लिखते हैं, CH2CW- CH2CW- ट्राई एसीटेटो, तो एक एसीटेटो अपन और लिख सकते हैं। नाइट्रोजन की दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक अपन ने लिख दिया एच। तो यहां पर डोनर एटम देख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डोनर एटम, इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने फॉर्म करेगा? फाइव कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे अपन देखते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ध्यान दें यहां से क्वेश्चन फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे अपन ने जो देखा था उसमें डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिफरेंस, ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। वही क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जैसे बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताइए, हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल बताइए। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का मींस यहां पे डोनर एटम कितने होंगे? सिक्स। अब डोनर एटम सिक्स है मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने फॉर्म करेगा? ये सिक्स ही फॉर्म करेगा। एग्जांपल EDTA माइनस फोर है, ध्यान रखें इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई, ट्राई की जगह पे यहां पे क्या जाएगा, टेट्रा एसीटेटो। फॉर्मूला फॉर्म करते हैं अपन, इथाइलिन CH2 CH2, पीछे वाला एक बार सेम, डायमीन मीन्स टू नाइट्रोजन आपने लिखे, टेट्रा एसीटेटो तो यहाँ पे चार एसीटेटो आयन अपन लिख देंगे, एच को हटा देंगे, एच की जगह एसीटेटो लिख देंगे ऊपर वाले में से। तो ये अपना हो गया हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये अपना हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ। तो ध्यान रखें क्या आपने आज डिस्कस किया, आपने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल एटम और आयन इज अटैच्ड टू फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है एंटिटी, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखी जाएगी। एंटिटी में जो सबसे पहला एटम होता है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम, उसको छोड़ के सेंट्रल एटम को एक्सेप्ट करके बाकी जो कुछ भी लिखा हुआ है एंटिटी के अंदर उसे अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। अब लिगेंड में आपने क्या बताया था, लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर, और अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को देखे या सेंट्रल एटम को देखे क्या फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। इसके बेसिस पे लिगेंड का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में अपन एम्बिएंट लिगेंड, किलेट इफेक्ट, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, पूरा चैप्टर आपको यहां पे करवाया जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट में अपना IUPC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन देखेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें से क्वेश्चन कंफर्म ही आते हैं CBSE RBSE दोनों में, तो ध्यान रखें। तो आज की क्लास में अपन सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।